विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल मोदी जी को गाली दे के विपक्ष जीतना चाह रहा है। कोई हम लोग व्यापारी हैं, कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, राहुल गांधी बहुत योग्य है, जो भी छूट ततैया और कुत्ता वगैरह कह रहा है। क्या नाम है? रमा शंकर तिवारी। क्या करते हैं? दुकान है अपनी। हाँ जी, हाँ जी। तो दुकान है, क्या है चुनावी मुद्दे? क्या है चुनावी मुद्दा? कुछ नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल मोदी जी को गाली दे के विपक्ष जीतना चाह रहा है, और कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के पास। सब खाली हाथ घूम रहे हैं, ममता बनर्जी गाली दे रही हैं, उधर राहुल गांधी गाली दे रहे हैं, सब पूरे गाली दे रहे हैं मोदी को। कोई मुद्दा है ही नहीं विपक्ष के पास, कोई कुछ भी मुद्दा नहीं है। तो विपक्ष ये कह रही है कि व्यापारी वर्ग हमारे साथ है जीएसटी को लेकर? झूठ झूठ बोल रही है। जीएसटी पे गुजरात पे चुनाव लड़ चुकी है, एमपी में भी तो लड़े। हाँ, एमपी पे लड़े तो बराबर की लड़ाई थी, वो तो कर्ज माफी का फालतू का एक जुमला पकड़ा के जीत गई है, नहीं तो यहाँ भी हारती है और 20वें साल में भी हारती, समझ रहे हो। और नोटबंदी पे यूपी पे हार चुकी है, गठबंधन बना के पूरा साफ। क्या कल राहुल गांधी ग्वालियर में कह के गए हैं कि शिवराज सिंह के भैया को कहने से कुछ होता है क्या? राहुल गांधी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। राहुल मोदी जी के कहने से ये बताओ क्या फर्क पड़ता है, जब राहुल गांधी कह के गए कि उनके भैया का कर्जा माफ किया गया किसानों का? गांधी परिवार झूठा है, पूरा गांधी खानदान झूठा है। नहीं तो जो आप बोल रहे हो, जो आप मोदी समर्थक हो इसलिए। अरे कहा गया कि जीएसटी को लेकर व्यापारी वर्ग काफी नहीं, कोई हम लोग व्यापारी हैं, कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं नंबर एक में कारोबार हो, हम लोग मतलब आराम से बैठे। कोई आपको जीएसटी को लेकर कोई नाराज? नहीं नहीं, कोई नहीं है। हाँ, आप बताइए। सरकार तो मोदी की बनी। अभी आप कह रहे थे रोजगार नहीं है। हाँ, तो मैंने ये तो नहीं कहा ना कि कांग्रेस और बीजेपी, मैंने ये कहा है कि सरकार मोदी की। रोजगार लाएगा कौन? अभी तो 5 साल मोदी की सरकार थी, तो रोजगार आपने बोला कि रोजगार का मुद्दा है, तो फिर आप बोल रहे हैं कि फिर मोदी को वोट देंगे, तो रोजगार कहाँ गए? तो जब मैं वोट ही मोदी को देते हुए आया हूँ, मोदी को शुरू से वोट देके आया हूँ, मतलब 2018 से अभी तक की डेट में। मुद्दा कोई भी हो मैं मोदी को वोट दूंगा। मोदी को वोट नहीं, मुद्दा चाहे रोजगार हो ना हो या ना हो, मोदी को वोट दे। सारे जो है 5 साल में बेरोजगार थोड़ी ना हो गए, पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी बेरोजगार आज भी घूम रहे हैं। 10 साल में इसने कितने रोजगार दिए मेरे को बताए ना खोल के। कितने व्यापारी परेशान हुए? जीएसटी व्यापारी नहीं परेशान, सब खुश है। कह रहे हैं कि जीएसटी को कोई नहीं हो, तो जो कांग्रेसी हैं उनको दिक्कत है, बाकी कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए क्या बता है? कहना है कि जो कांग्रेसी लोग हैं, देखो जो मोदी समर्थक है वो बुराई सुन नहीं पाएगा। कल राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने एक ही बात कही थी, शिवराज सिंह के भैया का कर्जा माफ किया, चाचाओं का कर्जा माफ किया, किसानों का, और इनके पास एक ही मुद्दा है किसका कर्जा माफ किया। अब इनसे पूछा जाए कि शिवराज सिंह के भैया का कर्जा माफ किया है, तो उनसे ये पूछा जाए कैसे कर्जा माफ होता है? आप होता है किसान आज भी घूम रहे हैं, किसान शिवराज सिंह के भैया भी तो किसान है, किसान आज भी घूम रहे हैं, उनके घरों में नोटिस पहुंच रही है। और अभी परसों कमलनाथ ने बोला है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है, 10 दिन में कोई सरकार कर्ज माफ नहीं कर पाएगी। कमलनाथ ने आपके मुख्यमंत्री ने बोला है, बोला है, हाँ बोला है, कमलनाथ ने बोला है कि 10 दिन में बोला है। कल ग्वालियर में आके ये बोला है कि शिवराज सिंह के भैया का कर्जा माफ हुआ है। कमलनाथ ने बोला है कि कर्जा माफ नहीं होगा अगर राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी बहुत योग्य है, जो भी छूट ततैया और कुत्ता वगैरह कह रहा है, है ये योग्यता का है बड़े आदमी के, किस प्रकार से सभ्यता से बोलना चाहिए। जब बड़े आदमी से सभ्यता से नहीं बोल सकते तो जनता के साथ क्या व्यवहार करेंगे वो? हाँ, कल जो है अभी प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को दुर्योधन बोला। दुर्योधन क्यों बोला है भाई? प्रियंका गांधी कह रहे हैं हम प्यार दिखाना चाहते हैं। कल मोदी जी ने गिनवाई है 52 गालियां दी हैं कांग्रेस के नेताओं ने, 52 गालियां कांग्रेस के नेताओं ने दी हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनको ये उपहार दिया गया है इनकी योग्यता का, मोदी को है, मोदी जी को। हाँ, जो उपहार दिया गया योग्यता के बल पर। हाँ, प्रधानमंत्री वो है, उसके अलावा तुम जो कुत्ता बिल्ली सब बात की बार 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 मोदी टोल कर रहे हो, और खुद 70 साल से 70 साल से चोरी करते करते हुए विदेशों में पैसा भेज दिया है, और यहाँ पे आकर के दूसरे को चोर बता दे जो खुद चोर है। कौन चोर है? कौन है? यही गांधी परिवार। हाँ, क्यों हुआ नहीं कांड? क्या जब वो फर्स्ट कांड वगैरह में नहीं फंसे
जो दूसरे को एक बिना बोले वाले को प्रधानमंत्री बना गया, पीछे से अपन खा रही है, जो इंदर खा रही है, इंदर खा रही है पीछे से। चार महीने सरकार बने नहीं हुई है, अभी जो है वहाँ पे कितना 281 करोड़ रुपए निकला घर में, और वो बच्चों का जो पोषण आहार है उसका जो है आप बताइए नहीं मालूम है ना। जो 15 साल के अंदर लोग थे, इससे पहले नरेंद्र सिंह जी थे, उनने 5 साल के अंदर क्या कर लिया, मुरैना छोड़ के। अरे मैं तो कह रहा हूँ सिंधिया परिवार ने यहाँ से, सिंधिया परिवार ने यहाँ से क्या किया, अगर यहाँ किया होता विकास तो गुना नहीं बखते। सिंधिया जी क्यों नहीं आ रैली में? आप ये बताओ, नरेंद्र सिंह जब थे 5 साल, उनने कौन सा, सिंधिया जी क्यों नहीं आ रैली में? मालूम नहीं है सर, क्यों नहीं? आपस में गुटबाजी चल रही है, कांग्रेस के 3 गुट हैं यहाँ एमपी में, 3 गुट हैं कांग्रेस के, एक दिग्गी राजा का गुट है, एक जो है कमलनाथ का गुट है, और एक सिंधिया का गुट है, ठीक है। अभी परसों जो है मोदी की रैली थी, उसमें मोदी जी ने बोला है कि एमपी में 2.5 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए काम नहीं हो रहा है। लाइट दोबारा से फिर जाने लगी, लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे घर में 8-1.5 महीने से गंदा पानी आ रहा, कोई कांग्रेसी नेता देखने नहीं आया। अभी तक क्यों नहीं आ रहा था गंदा पानी, साफ सुथरा पानी आ रहा था, 1.5 महीने से पीला पानी आ रहा, हम लोग परेशान हो रहे हैं, कोई देखने नहीं आ रहा है। अच्छा आप बताइए बाबा कि आप वोट देने जाइएगा तो किस मुद्दे पे आप वोट कीजिएगा? हम देश की सुरक्षा के ऊपर, देश की सुरक्षा और देश की भलाई के लिए जो काम करेगा उसको लाने वोट देंगे। आज के डेट में देश की भलाई कौन करेगा, देश की रक्षा? मोदी 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 कोई नहीं कर सकता। बच्चे से पूछ लो, बुजुर्ग से पूछ लो, एक बच्चे से पूछ लो, बोलने का वो नहीं है। अब वो जनता के साथ क्या व्यवहार करेंगे, कौन कौन, राजीव गांधी और कौन, राहुल गांधी? हाँ तो अब राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी जुड़ी है, तो का वो भस्मासुर बता रहे हैं, वो सब पे बोल रही है, वो सब जुड़ी है। प्रियंका गांधी केवल रॉबर्ट वाड्रा को बचाने के लिए जुटी हैं, और जेल में जाएंगे कुछ दिनों बाद, जेल जाएंगे। हाँ कौन जेल जाएंगे? मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ इस बार। राहुल गांधी रायबरेली में रोजगार नहीं था जो आप, रायबरेली में अगर रोजगार होता तो यहाँ काय के लिए आना पड़ता? रायबरेली में कुछ नहीं है, कुत्ते लेट रहे हैं आज भी रोडों में, और इस बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों हार रहे हैं, दोनों की जमानत जब्त होगी।